मेरा नाम भावना सिंह है और मैं फ्रेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, जो कि मेरा कोर्स है इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग बेसिक। तो मैं यहाँ बस आप लोगों को वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बताना चाहती हूँ, तो जो कि आप लोगों को एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि वर्टिब्रल कॉलम की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। वर्टिब्रल कॉलम की जो डेफिनेशन हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है वो क्या कहता है, द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑल्सो नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड एंड द बैक। वर्टिब्रल कॉलम को ही हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं और बैकबोन भी कहते हैं। फिर सेकंड पार्ट क्या बोलते हैं हमारे, इसका सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, इट इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द स्केलेटन इन ऑल वर्टिब्रे। मतलब ये जो हमारा ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो सेंट्रल स्केलेटन का सेंट्रल पॉइंट होता है। मतलब ये बीचों बीच रहता है और ये सभी वर्टिब्रे से मिलकर बना होता है। ठीक, फिर थर्ड इसका पॉइंट क्या बोलता है कि इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट ऑफ द मसल्स एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि ये मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड बीचों बीच गई होती है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसकी लंबाई वगैरह कितनी होती है। ठीक, तो द लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन मेल 71 सेंटीमीटर एंड इन फीमेल 61 सेंटीमीटर। ठीक, तो वर्टिब्रल कॉलम की जो लेंथ होती है वो मेल में 71 सेंटीमीटर की होती है और फीमेल में 61 सेंटीमीटर की होती है। और फिर अगर हम बात करते हैं ऑन एन एवरेज इसका लेंथ कितना होता है, ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें तो ये 70 सेंटीमीटर की होती है। फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कितनी वर्टिब्रे से मिलकर बना होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो हमारा 33 वर्टिब्रे से मिलकर बना होता है। ठीक, तो ये हो गया, मतलब 33 छोटी छोटी वर्टिब्रे से मिलकर हमारा क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम बना होता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं इसको हमने कितने मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप में डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है ना, हमने इसको 5 मॉर्फोलॉजिकली ग्रुप में इसको डिफ्रेंशिएट किया है। तो हमारा पहला आता है सर्वाइकल, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लुम्बर रीजन, सैक्रल रीजन एंड द कोक्सियल रीजन। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो हमारा वो कितने, उसमें कर्व कितने आते हैं। जब हमारा वर्टिब्रल कॉलम का जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। तो इसमें अगर हम शेप देखते हैं तो ये इसमें ये पहला ये हमारा पहला शेप हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक, और ये जो हमारा कोक्सियल वाला पॉइंट होता है इसको हम कोई कर्व नहीं मानते हैं, ये यहाँ नीचे जाके ऑनली एक बोन का काम करती है, छोटी सी हड्डी का नाप काम करती है। ठीक, तो फिर ये बात हो गई, हम लोगों ने ये बात की। फिर बात करते हैं हम कि ये जो 33 वर्टिब्रे मैंने बताया, तो ये जो वर्टिब्रे होती है वो किन में पाई जाती है। तो वर्टिब्रे जो होती है वो ह्यूमन में पाई जाती है, काऊ में पाई जाती है, हॉर्स और लायन में पाई जाती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अगर हमारे 33 वर्टिब्रे नहीं होगी, हमारी वर्टिब्रे नहीं होगी तो हम इससे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हम फ्लेक्सिबल अपनी बॉडी को मूव नहीं करा पाएंगे, ये होता है। और जो नॉन वर्टिब्रे का मतलब ये होता है कि जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है। तो वर्टिब्रल कॉलम किसके किसके अंदर नहीं पाई जाती है, स्नेक, बटरफ्लाई, ऑक्टोपस और भी बहुत है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि स्नेक, बटरफ्लाई और ऑक्टोपस के अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है। फिर हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा हो गया वर्टिब्रल कॉलम। फिर ये जो होता है हमारा, ये हमारी 33 छोटी छोटी वर्टिब्रे होती है जिनसे मिलकर हमारा वर्टिब्रल कॉलम बना होता है। अब इनके बीच में जो होता है वो एक होता है कार्टिलेज, इसके बीच में जो वो लिक्विड टाइप का फ्लूइड टाइप का कुछ इसमें पाया जाता है, जो कि मोबिलिटी और हमारे बॉडी को मूव करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। वो उसको हम इसके बीच में जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजस डिस्क बोलते हैं। ठीक, और ये क्या काम करता है, बॉडी को मूव कराने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल मतलब इधर उधर टर्न करने के लिए, मतलब इधर उधर जाने के लिए या बॉडी को झुकाने के लिए, कुछ भी कोई भी काम करने के लिए ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। फिर हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। ठीक,
वर्टिब्रल कॉलम के कितने पार्ट्स होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा, पहले हमने इसमें आपको पहले ही बताया है कि कितने पार्ट्स होते हैं, 5 होते हैं। पहला हमारा आगे ये हमारा सर्वाइकल, सर्वाइकल में 7 बोन होती हैं, थोरेसिक में 12 बोन होती हैं, लोमर में 5 बोन होती हैं, सैक्रल में 5 बोन होती हैं और कोक्सियल जो होता है उसमें 4 बोन होती हैं। ठीक, और कोक्सियल को ही हम टेल बोन कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैंने अपनी फर्स्ट वीडियोज में इतना बताया, अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड वीडियोज में। थैंक यू।